दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर विंध्यवासिनी कॉलोनी की शुरुआत वर्षों पहले ही हो चुकी है। कम और उचित दाम में घर और घर का निर्माण करने के लिए खाली जमीन क्रय के लिए ग्राहकों को कॉलोनी के मालिक और जिम्मेदार सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि जब वर्तमान स्थिति में ही ऐसी हालत है तो भविष्य में कैसी हालत वहाँ होगी। प्राप्त जानकारी अनुसार जब कॉलोनी के रहवासी जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी शिकायत लेकर पहुँचे, क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि हमारे साथ कॉलोनी के जिम्मेदार द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ ही वर्तमान स्थिति में गर्मी अभी अपना तेवर दिखाती जा रही है, किंतु अब तक पानी की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सड़क हो या गार्डन, इनका निर्माण का कार्य आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। बिजली की भी पर्याप्त व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। पूर्व भी हमारी कॉलोनी में ट्रिपल मर्डर हुए हैं, जब उस समय पूर्व एसपी अभिषेक तिवारी ने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ की सुरक्षा पुख्ता की जाएगी, किंतु अब तक यह कुछ नहीं हुआ है। हमने यहाँ की व्यवस्था के लिए शुल्क भी जमा किया हुआ है, किंतु कुछ भी सुविधा सही से नहीं दी जा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पाटिल है, मैं माँ विंध्यवासिनी कॉलोनी कन्नेरी रोड रतलाम में रहता हूँ। जी, किन समस्याओं को लेकर आपने कलेक्टर ऑफिस में आज ज्ञापन दिया? एक्चुअली हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है जी, और पानी की समस्या बहुत दिन से चली आ रही है। 8-8 दिन में पानी दिया जा रहा है टैंकर से, और कॉलोनी में ना तो टंकी है ना तो लाइट की सुविधा है, पर वो अस्थायी रूप से सुविधा है। और अभी तिहारा हत्याकांड हुआ था कॉलोनी में जी, तो वहाँ पे भी एसपी साहब अभिषेक तिवारी जी ने बोला था सुरक्षा गार्ड बढ़ाया जाए जी, पर कंपनी ने कोई भी नहीं बढ़ाया गया। और आए दिन वहाँ पे पानी की समस्या, लाइट की समस्या और रोड की समस्या और अन्य गतिविधियाँ भी चल रही है, और जिसमें गार्ड का काम है एंट्री करना, गार्ड एंट्री नहीं करता, कौन आ रहा कौन जा रहा है कॉलोनी के अंदर, हर समस्या यही है। आपने समस्या से कॉलोनी के कुछ जिम्मेदारों को अवगत कराया? जो जिम्मेदार सबको कराया, दीपक पुरोहित बोलता है कि मैंने मेंटेनेंस चार्ज दिया उस कॉलोनी का 50,000 रुपये, ये जितने भी खड़े हुए सबने मेंटेनेंस चार्ज दिया है कॉलोनी को। वो बोलता है कि मेंटेनेंस चार्जेस खत्म हो गया, बोले अब आपको पैसे दोगे तो पानी मिलेगा। आपने कितना आपने मेंटेनेंस चार्ज भरा, कितना पैसा भरा है, कितने कितने मकान खरीदा है, कितने रुपए मकान खरीदा वहाँ पर? हमने प्लाट लिया था 7.5-8 लाख का प्लाट लिया, उसमें क्या क्या शर्तें बताई गई थी? बताई थी पानी की सुविधा दी जाएंगी, लाइट दी जाएंगी, और यह अस्थायी रूप से दे रहे, ना तो टंकी है ना लाइट है। टंकी अभी तक नहीं बनी है। सपने पर बहुत बताए गए थे, स्विमिंग पूल रहेगा वहाँ से, इसका खूब एडवर्टाइजमेंट भी हुआ है,